हेलो मेरे प्यारे वीरो सब्सक्राइबर्स नो बहुत बहुत स्वागत है अज की वीडियो दे विच साडा सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी गल करांगे कुछ सप्लीमेंट्स बारे। पिछली वीडियो च असी गल कीती सी न्यूट्रिएंट्स बारे। सप्लीमेंट्स बेसिकली ताडी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी डाइट के नाल जो तुसी पूरी करते हो बॉडी दे विच, प्रोटीन कार्ब्स और अमीनो एसिड्स फैट्स की जो रिक्वायरमेंट होंगी कंप्लीट करते हो डाइट के नाल, जो इस कोई कमी रह जाती ताड़ी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट नहीं फुलफिल नहीं कर पाती ताड़ी डाइट जो है, दैन सानू लोड़ पैंदी सप्लीमेंट्स की। जी हाँ, बस इन्ना कोई रोल है सप्लीमेंट्स का। तो सप्लीमेंट्स एक्चुअली जो हुन यंगर जनरेशन जो जिम वाल या वेट लिफ्टिंग वाल जा रही है वो सोचते हैं उन्होंने लिए सप्लीमेंट्स कई बहुत वड्डी चीज़ हो जाती है कि सप्लीमेंट्स जो है कैमिकल्स ने असी बॉडी से दे रहे हैं। कैमिकल्स तो होंगे ही हर एक चीज़ के कैमिस्ट्री इनवॉल्व है ही है, बट जो सप्लीमेंट्स ने और नॉर्मली ताड़ी जो रिक्वायरमेंट अनफुलफिल्ड रह जाती है उन कंप्लीट करने वास्ते है। तो जो घर की तुसी डाइट लै रहे हो जो तुसी ओबियसली घर की डाइट नाल अपनी जो ताड़ी रिक्वायरमेंट है उन्होंने कंप्लीट कर रहे हो, सो तुहानू कोई नीड ही नहीं है यार सप्लीमेंट्स की। जो मेन जो एथलीट हैं इंटरनेशनल लैवल दे वर्ल्ड लैवल दे एथलीट हैं वो वध तो वध 10-15% ही सप्लीमेंट का सहारा लेंदे हैं अपनी बॉडी नू अपनी फिजिक नू मेनटेन करने वास्ते, बाकी वो सारा नॉर्मल जो नैचुरल डाइट है नॉनवेज जिहड़े खाते हैं चिकन हो गया फिश हो गई अपना बीफ हो गया तो इन चीज़ों तो कंप्लीट कर लेंदे हैं। मीट तो रैड मीट तो चैसट ब्रैसट चिकन तो वो कंप्लीट कर लेंदे हैं, बट जो वैजीटेरियन होंगे वह एग ले लेंदे हैं एंड एग वाइट दैन सोया मिल्क बटर पनीर चीज़ सोया पनीर बहुत सी आइटम्स ने यार कंप्लीट करने वास्ते अपनी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने वास्ते बहुत सी आइटम्स ने। सो पहली गल तो यह है कि सप्लीमेंट्स जो है कोई बहुत वड्डी हवा नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ नहीं, कोई एडवांस चीज़ नहीं है, या जो तुसी लै रहे हो तो साइड इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होएगा, बट इन्नी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसकी जो तुसी नॉर्मल डाइट ना फुलफिल कर रहे रिक्वायरमेंट अपनी, सो देर इज़ नो नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। तो मेरा मानना तो यही है जी यंग जनरेशन है पहला अपने घर का खाना जो है रज के खाण, दुध मक्खन घी कंप्लीट लैंड जो घर सब्जी बनती है वो नखरे करके ना खाण तो हस के खाना शुरू कर दें जो जिम जा रहे हैं, क्योंकि जिम तो तुसी जा रहे हो अपनी सेहत बनाने वास्ते पर साड़ी सेहत जो है वो 70% ताड़ा रसोई से काम होंगे किचन से काम होंगे, यानी कि ताड़ी प्लेट जे जो खाना पे उस नाल ही काम होएगा, बाकी 30% ही ताड़ा जिम का काम आता। सो एक पॉइंट तो क्लीयर कर लीए पहले आप कि सप्लीमेंट्स कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दूसरा सप्लीमेंट दूसरा पॉइंट यह है कि सप्लीमेंट का बैड इंपैक्ट ऑलवेज नहीं होता है, जो ध्यान रखो कि जेन्युइन प्रोडक्ट ही लै रहे हो। तो जी यंगर जनरेशन तो मैं यही कहूँगा कि सप्लीमेंट की जगह तुसी अपना पहला घर का डाइट लेना शुरू करो, 80 दे अबव ताड़ा वेट जो आता 85 तो अबव ताड़ा वेट आता है तुसी उस तो वध करना चाहते हो तो जाके सप्लीमेंट्स की हेल्प लै सकते हो, या जो तुसी प्रैप स्टेज पर जाना चाहते हो अपनी प्रैप कर रहे हो कंपीटिशन्स लई तो तुहानू बहुत चीज़ा छड्डनियां पैंदियां कि जिदा कार्ब्स तुसी बिल्कुल जीरो करने पैंदे तो तुसी डाइट से कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि लैना आ, तो तुसी अपने कोच तो या जो भी ताड़ी तैयारी करवा रहे हैं ताड़ा पार्टनर हो गया या ताड़ा कोच हो गया तो उसके नाल तुसी डिस्कशन करो तो सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर सकते हो जो भी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुहानू दसदा है, ताकि तुसी कमज़ोर फील ना करो अपनी सेहत खराब ना कर लो प्रैप ते प्रैप डेज तेरे लिए। एंड सप्लीमेंट्स का छोटा सा टॉपिक सीगा, ज़्यादा वड्डा टॉपिक नहीं है। मेन थिंग इज सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, सैकेंड थिंग सप्लीमेंट्स आर नॉट दैट मच इंपोर्टेंट। सो इन्नी क जानकारी अपने लिए बहुत है अज के लिए, इन थोड़ा सांभ के रखियो सप्लीमेंट्स एंड एनाबोलिक्स आर डिफरेंट थिंग्स। एनाबोलिक्स लिए आप अगली वीडियो बनावांगे की है एनाबोलिक्स, काफ़ी बड़ी थ्योरी है वो भी। सो
सप्लीमेंट्स लिए अपना क्लियर कर लो डाउट। थैंक यू जी, इनकलाब जिंदाबाद, जुड़े रहो सिखू को दे नाल।